नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है वेलकम टू तो दिस वीडियो तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फार्माकोलॉजी सेकंड सब्जेक्ट के बारे में तो हमारे पास यहाँ पर 2021 का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स तो हम इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने वाले कि फाइव मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में पूछे जाते टेन मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं या फिर टू या थ्री मार्क्स के क्वेश्चन हो गए तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस टाइप से वहाँ पर आपको घुमा फिरा के वहाँ पर आपको पूछा जाता है तो उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे ओके तो फ्रेंड आप सबको पता है आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है वो सेवेंटी फाइव मार्क्स का होता है और टाइम उसके लिए थ्री आवर्स का टाइम आपको दिया जाता है तो इन थ्री आवर्स के अंदर आपको कौन से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे ओके okay, फ्रेंड्स तो आप तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना बिकॉज हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीले हमारे वीडियो देख सकते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम आम, हमारे पास फ्रेंड्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर तो इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको टेन मार्क्स के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स क्लासिफाई एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग विथ एग्जाम्पल ओके तो आपको एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन पूछा गया है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है उसको भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है उसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लीजिए डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ ए सी ई तो ए सी ई की जो फार्माकोलॉजी है तो उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है उसी को और में एक क्वेश्चन दिया गया है क्लासीफाई नॉन् स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग विथ एग्जाम्पल डिस्क्राइब द फार्मेकोलॉजी ऑफ एस्प्रिन तो हर एस्प्रिन की फार्मेकोलॉजी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का क्लासीफिकेशन यहाँ पर आपको देना है नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे तो बायो एसे के एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लिखने हैं एंड एक्सप्लेन द बायो ऐसे ऑफ हिस्टामाइन और बायो एसे हिस्टामाइन का बायो ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है तो ये थे फ्रेंड्स लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है एक तो जो ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको पूछा जाता है उसके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है इसलिए आप इसका स्टडी ज़्यादा कीजिए जो भी क्लासिफिकेशन से तो क्लासिफिकेशन आप परफेक्ट कीजिए ओके अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हमारे तो यहाँ पर आपको सेवन क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको फाइव मार्क्स के लिए मिल जाएगा तो फाइव मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछे जाएंगे आपको डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ डॉग सॉरी डिगोक्जिन ओके तो डिगोक्जिन की फार्माकोलॉजी यहाँ पर आपको लिखनी है उसी को और में क्वेश्चन दिया क्लासिफाई एंटी एनजाइनल ड्रग विथ एग्जांपल तो एंटी एनजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है और फार्मेकोलॉजी नाइट्रेट्स की फार्मेकोलॉजी क्या है तो उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है फोर्थ नंबर का फार्मेकोलॉजी एक्शन ऑफ हिपेरिन तो हिपेरिन की जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है तो उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है उसी को और में क्वेश्चन दिया गया है क्लासिफाइड डायरेटिक्स विथ एग्जाम्पल ओके तो डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको देना है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द फार्मेकोलॉजी ऑफ सल्प्याालाजाइन ओके तो सल्प्यालाजाइन की फार्माकोलॉजी यहाँ पर आपको ले एक्सप्लेन करनी है नेक्स्ट डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोपाइल थासिल नेक्स्ट एक्शन ऑफ इंसुलिन नेक्स्ट हाइड्रोकार्टिसिन तो इन सब का फार्माकोलॉजी यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है नाइन नंबर डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉट वैफेरिन ओके तो वैफेरिन का यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है तो ये हो गए शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन फ्रेंड्स अगेन शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है हमारे पास वो जो है दो मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर तो वो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर होंगे तो टेन नंबर का देख लीजिए एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स तो स्टैटिस् का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है इलेवन नंबर क्लासिफाइ एंटी रिमे रिमेटेड ड्रग्स विथ एग्जाम्पल तो एंटी रिमेटिड ड्रग्स क्या होते हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है ट्वेल्थ नंबर थेरापूटिक यूज ऑफ फाइब्रीनोलैक्टिक्स तो फाइब्रीनोलैक्टिक्स का थेरापि यूज़ क्या है थेरापूटिक यूज ऑफ फाइव एच टी एंटागोनिस्ट नेक्स्ट क्लासीफाई पैरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट विथ एग्जाम्पल तो पैरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट कौन कौन से तो उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना है नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्प सल्फोनिल यू, यूरियाज तो सल्फोनिल यूरियाज के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है तो उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट नेम थ्री हारोस्ट रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल नेक्स्ट देख लीजिए नेम एनी फोर एच टू रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट तो एच टू रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट कौन कौन से हैं तो उसके यहाँ पर आपको नेम्स लिखने हैं मैंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोस तो डिफरेंट जो बायो के टाइप्स है तो उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मैंशन एनी फोर नेम्स ऑफ द एनाबोलिक एनाबोलिक तो तो कौन 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 से हैं तो उसके कोई भी यहाँ पर फोर नेम्स यहाँ पर आपको लिखने आई होप फ्रेंड आप सबको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे तो वो भी समझ में आ गए होंगे ओके okay, तो यहां पर मेन मेन क्वेश्चन कौन सा है जो रिपीट रिपीट यहाँ पर आपको बार बार पूछा जाता है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दो दो मार्क्स के यहाँ पर आपको आ सकते हैं एच फाइव टी एंटागोनिस्ट यहाँ पर आ सकता है फ्रेंड्स एच टू रिसेप्टार के ऊपर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो दो क्वेश्चन है तो यहाँ पर मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए फ्रेंड्स और फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो डॉग सॉरी डिगोक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और जो फार्माकोलॉजी है तो उसको भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि इस ड्रग की क्या फार्माकोलॉजी है तो वो भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट एंजाइनल ड्रग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हिपेरिन इंपॉर्टेंट है तो हिपेरिन हो गया और इंसुलिन एक्शन ऑफ इंसुलिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये सब आपको अच्छे से इसका स्टडी करना चाहिए फ्रेंड्स आप टेन मार्क्स के क्वेश्चन तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको क्लासिफिकेशन पूछे जाएंगे तो ऑल ड्रग के क्लासिफिकेशन आप अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर है आपको अच्छे मार्क वहाँ पर मिल जाएंगे तो ट्राई करना कि आप सभी ड्रग का वहाँ पर अच्छे से उसका स्टडी की स्टडी करें और उसके जो भी एग्जाम्पल्स है तो एग्जाम्पल अच्छे से वहाँ पर आप उसका भी स्टडी कीजिए अच्छे से ओके तो फ्रेंड ये फार्माकोलॉजी सेकंड का सेकंड का क्वेश्चन पेपर था जो कि हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर है ओके फ्रेंड्स आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फ्रेंड्स